ड्रीम गर्ल के 75वें जन्मदिन के जश्न में लगा सितारों का मेला। जोर शोर से मनाया गया हेमा मालिनी के जन्मदिन का जश्न। गुलाबी साड़ी पहने हेमा मालिनी लगी फलक से जमीन पर उतरी हूर, तो नवाबी अदाओं वाली रेखा के चेहरे पर भी दिखा नूर। माँ के जन्मदिन के जश्न में गोल्डन गर्ल बनकर आई ऐशा। माधुरी की गुलाबी अदाएं देख हर किसी का दिल धड़का। रानी शिल्पा जूही सलमान हर कोई आया ड्रीम गर्ल को देने बधाई। ये नजारा है बॉलीवुड के ओरिजिनल ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी के जन्मदिन के जश्न का। 16 अक्टूबर को हेमा मालिनी ने अपना 75वां जन्मदिन सेलिब्रेट किया। दिन भर हेमा को फैंस और दोस्तों से जन्मदिन की बधाई मिलती रही, तो वहीं रात में ऐसा जबरदस्त जश्न देखने को मिला कि अब हर जगह ड्रीम गर्ल के बर्थडे बैश की ही चर्चा हो रही है। बीती रात मुंबई के 5-स्टार होटल में हेमा मालिनी का ग्रैंड बर्थडे बैश होस्ट किया गया, जिसमें बॉलीवुड सितारों का तांता लगा। तो चलिए आपको स्टार स्टडेड इस बर्थडे नाइट की हाइलाइट्स दिखा देते हैं और शुरुआत करते हैं सभी के सपनों की मलिका हेमा मालिनी के साथ। अपनी इस ड्रीम बर्थडे पार्टी के लिए हेमा ने नेट की खूबसूरत गुलाबी साड़ी को चुना था, जिसमें वो फलक से उतरी किसी हूर से कम नहीं दिख रही थी। भले ही बॉलीवुड ने उनके 75वें जन्मदिन का जश्न मनाया हो, लेकिन हेमा यहाँ अपनी उम्र को मात देती नजर आईं। गले में डायमंड नेकलेस, कानों में इयररिंग्स कैरी किए हुए हेमा बेहद खूबसूरत दिख रही थी। तो वहीं माँ की परछाई बनी दिखी उनकी दोनों बेटियां ऐशा और अहाना देओल। मॉम की बर्थडे पार्टी के लिए ऐशा ने गोल्डन कलर का ब्लिंगी गाउन चुना था, जिसमें ऐशा किसी ग्लैम डॉल सी खूबसूरत दिख रही थी। माँ के जन्मदिन की खुशी ऐशा के चेहरे पर भी नजर आई। तो वहीं हेमा की छोटी बेटी आहना देओल ने हमेशा की तरह अपनी नेचुरल ब्यूटी से लोगों का ध्यान खींचा। पार्टी में आहना व्हाइट कलर की साड़ी में दिखी। दोनों बेटियों और छोटे दामाद वैभव वोहरा के साथ हेमा ने मीडिया को जमकर पोज दिए। हेमा ने केक कट कर पेपराजी के साथ भी अपने जन्मदिन की खुशियां शेयर की। इस केक कटिंग सेरेमनी में हेमा के साथ उनकी दोनों बेटियां और दामाद मौजूद रहे। पार्टी में शामिल होने वाले मेहमानों की बात करें तो अपने रॉयल लुक से रेखा एक बार फिर लोगों का ध्यान बटोरने में कामयाब रही। अपनी खास दोस्त को जन्मदिन की बधाई देने के लिए रेखा खास तौर से पहुंची थी। बेज कलर की हेवी साड़ी पहने, बालों में गजरा, आंखों में कजरा, डार्क मेहरून लिपस्टिक और मांग में सिंदूर लगाए रेखा हमेशा की तरह चांद सी खूबसूरत बनकर पार्टी में आई थी। बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान भी ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी की जन्मदिन की पार्टी में शामिल हुए। इस मौके पर एक्टर ऑल ब्लैक लुक में दिखाई दिए। अब हेमा मालिनी के जन्मदिन का जश्न हो और जया बच्चन ना पहुंचे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। सुपर हैप्पी मूड में जया बच्चन पहुंची। जया बच्चन पद्मिनी कोल्हापुरे के साथ पेप्स को पोज देने आई और इस दौरान वो पेपराजी के साथ मजाक भी करती दिखी। हमेशा पेपराजी पर भड़कने वाली जया ने अपनी स्वीट स्माइल से लोगों का ध्यान खींचा। और अब देखिए मोहिनी माधुरी का जलवा। पति श्री राम नेने के साथ पार्टी में आई माधुरी ने इस खास मौके पर पर्पल सीक्वेंस वर्क वाली साड़ी कैरी की थी, जिसमें वो काफी खूबसूरत लग रही थी। वैसे साड़ी में तो रानी मुखर्जी भी खूब जची। रानी ने सिल्वर एंड स्काई ब्लू कलर की डबल शेड वाली सीक्वेंस साड़ी पहनी थी। हेमा की बर्थडे पार्टी में शिल्पा शेट्टी अपनी मां सुनंदा शेट्टी और बहन शमिता के साथ पहुंची। शिल्पा येलो साड़ी में दिखी, तो वहीं उनकी मम्मी ने रेड साड़ी पहनी थी। शमिता लहंगे में नजर आईं। एक दौर था जब हेमा और जितेंद्र की शादी होते होते रह गई थी। भले ही हेमा और जितेंद्र की शादी ना हो पाई हो, लेकिन दोनों की दोस्ती आज भी कायम है। हेमा को जन्मदिन की बधाई देने के लिए जितेंद्र अपने पुराने दोस्त राकेश रोशन और बेटे तुषार के साथ पहुंचे। जैकी दादा भी इस पार्टी का हिस्सा रहे। हाथों में गिफ्ट और एक पौधा लेकर जग्गू दादा ने पार्टी में एंट्री की। विद्या बालन, जूही चावला, सोनू निगम, राजकुमार राव, कैलाश खेर, अलका याग्निक, रंजीत समेत कई अन्य बॉलीवुड स्टार्स भी हेमा मालिनी के 75वें जन्मदिन के जश्न में शामिल हुए। ब्यूरो रिपोर्ट, E24।